खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां एक ऑटो मैकेनिक की गोली मारकर और चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना आपागंज में रविवार रात की है। मृतक को उसकी पत्नी ने फोन कर घर पर बुलाया था। जब वह घर पहुंचा तो समीर खान ने उसको गोलियां मार दी। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो चाकू से शरीर पर कई वार किए। हत्या करने के बाद भी दिव्यांग हत्या आरोपी भागा नहीं बल्कि वही खड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने उसे और मृतक की पत्नी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। घटना के बाद आपागंज में तनाव का माहौल है। मृतक की पत्नी और हत्या आरोपी के बीच दोस्ती थी, इसी बात का वह विरोध करता था। मृतक भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। उसने हत्या आरोपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था जिसमें उसका पैर कट गया था। पुलिस ने स्पॉट से एक कट्टा व चाकू भी बरामद किया है। फिलहाल पड़ताल जारी है। शहर के माधवगंज स्थित आपागंज निवासी 30 वर्षीय अनवर खान पेशे से ऑटो मैकेनिक है। परिवार में उसकी पत्नी फरीन और दो बच्चे बेटी फारिया बेटा खालिद है। पत्नी ने उसका कुछ समय से विवाद चल रहा है, पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती। रविवार को फरीन ने फोन कर अनवर को घर बुलाया था। जब वह घर पहुंचा तो पहले से ही वहां समीर मौजूद था। अभी अनवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही समीर ने उस पर कट्टे से गोली दाग दी। गोली उसके गले पर लगी, उसके बाद कट्टा लोड कर दूसरी गोली सीने पे मारी। फिर समीर ने चाकू निकालकर उसे बेरहमी से गोदना शुरू कर दिया। मृत शरीर में भी वह चाकू गोदता रहा। हत्या करने के बाद भी समीर खान निवासी नई सड़क भागा नहीं बल्कि वहीं खड़ा रहा। इधर गोली की आवाज सुनकर वहां मृतक के परिजन व अन्य स्थानीय लोग आ गए। हत्या आरोपी समीर एक पैर से विकलांग है इसलिए वह भागा नहीं। लोगों ने उसे और मृतक की पत्नी फरीन को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल को निगरानी में लेकर हत्या आरोपी समीर खान व मृतक की पत्नी फरीन को निगरानी में लेकर थाना पहुंचाया है। घटना स्थल पर काफी तनाव था जिसे देखते हुए पुलिस ने फोर्स को बुलवा लिया था। पुलिस ने सबको निगरानी में लेकर डेड हाउस पहुंचाया है। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में पता लगा है कि अनवर के शरीर पर गोली के दो घाव जो गला और छाती पर हैं। इसके अलावा पूरे शरीर पर चाकू के 10 से 12 घाव हैं। हत्या करने वाले ने उसकी मौत के बाद भी शरीर से बेरहमी दिखाई जिससे यह साफ था कि वह उससे बेहद नफरत करता था। पुलिस ने स्पॉट से कट्टा और चाकू दोनों ही बरामद किया है। अब पकड़े गए आरोपी समीर खान व मृतक की पत्नी फरीन से पूछताछ की जा रही है। मृतक के भाई फिरोज खान ने बताया है कि अनवर की पत्नी की समीर से गहरी दोस्ती थी। वह अनवर के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। कुछ दिन पहले ही उसके 7 दिन में उसे मरवा देने की भी धमकी दी थी। उसी ने समीर को बुलाया था और हत्या कराई थी। घटना के समय मैं घर पर नहीं था, अब आया तो यह बात मुझे बताई गई। इस मामले में एएसपी शहर गजेंद्र वर्धमान का कहना है कि एक युवक को गोली मारकर और चाकू से गोदकर हत्या की गई है। हत्या के पीछे लेन देन व प्रेम प्रसंग का कारण समझ में आ रहा है। फिलहाल हत्या आरोपी को स्पॉट से पकड़ा गया है। उससे पूछताछ कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।